back with another video of my career Pathshala overseas. I am Megha and आज हम बात करेंगे with the new university update. आज जिस कंट्री की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है यूएसए. यस, यू आर हियरिंग इट राइट. आप अपनी स्टडी परस्यू कर सकते हैं, कोर्स परस्यू कर सकते हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द लोएस्ट फीस. तो यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है मरी स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि 99 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है एंड इज सिचुएटेड इन मरी केंटकी. ये यूनिवर्सिटी की द कोर्स फीस है विच इज वेरी लोएस्ट. और यस, इसमें इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी GRE रिक्वायर्ड नहीं होता. जनरल रिकॉर्ड एग्जामिनेशन इस यूनिवर्सिटी में आपको रिक्वायर्ड नहीं होता. बट यस, आपको लैंग्वेज प्रोफिशियंसी जरूर रिक्वायर्ड है. तो लैंग्वेज प्रोफिशियंसी में अगर मैं बात करूँ IELTS की, तो IELTS आपको 5.5 बैंड्स रिक्वायर होंगे, TOEFL रिक्वायर्ड होंगे. PTE की बात करें तो आपको 45 मार्क्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे. ड्यूलिंगो लैंग्वेज में आपके 90 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे. तो इस तरीके से इसका प्रोसेस है कि आपको GRE तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट यह आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूर होना चाहिए. अब बात कर लेते हैं कोर्सेज की. कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो आप इस यूनिवर्सिटी में परस्यू कर सकते हैं. सो द कोर्सेज लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग एंड मेनी मोर. आप डिटेल बात करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं. हम यूएसए के बारे में डिटेल उस पर डिस्कशन करेंगे. एंड इसमें सबसे बड़ी बात, जो आप फी स्ट्रक्चर जो स्टार्ट है, द ट्यूशन फी स्टार्ट है दैट इज फ्रॉम $13,920. तो अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर कंट्रीज से, तो अभी तक का यूएसए का सबसे कम फी स्ट्रक्चर का यही है, जिसमें आप अपना बेटर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन मरी स्टेट यूनिवर्सिटी, तो अगस्त इनटेक की मैं आपको डेट्स बता देती हूँ आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं. फॉर बैचलर्स डिग्री आप July 23 तक अप्लाई कर सकते हैं. फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री आप June 28 तक अप्लाई कर सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सो दैट आप उतना अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रेडी रखिए. सो फर्स्ट यू नीड ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर ऑल ईयर्स. आपका हाई स्कूल तक के आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, जिसमें आपका बेयर मिनिमम 2 GPA आपका होना चाहिए. अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट जो है इंग्लिश में नहीं है, देन यू हैव टू गेट दी सर्टिफिकेट. आपका ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपका आगे डॉक्यूमेंट प्रोसीड हो सकता है फॉर मरी स्टेट यूनिवर्सिटी. अब आपका फाइनेंशियल प्रूफ के डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपके कितना आपको चाहिए फाइनेंस का रिगार्डिंगली, वो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, जो भी आपने IELTS किया है, TOEFL किया है, PTE किया है, तो जो भी आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की है उसका आपको सर्टिफिकेट स्कोर रिक्वायर रहेगा. एंड मैं आपको लास्ट में बताना भूल गई कि जो गैप है, क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स आर वरीड कि गैप एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, एंड येस गैप इज एक्सेप्टेड. सो स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस. अब बहुत सारी वीडियोज अपडेट आने वाले हैं आपके पास. हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को लेके वीडियोज बना रहे हैं, जिसमें आप परस्यू कर सकते हैं. उसमें ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, हम ये भी बात करेंगे. सो बने रहिए माय करियर पाठशाला ओवरसीज चैनल के साथ. टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच.